गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी कैसे हो? वेलकम टू फिलर फोरम में आपका हार्दिक स्वागत है। दो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने भी दोस्त हो शेयर कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, फिर अभी बीच में आएंगे सभी स्टूडेंट। तो पहले शेयर कर दो, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, अपने अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे हम क्लासें स्टार्ट कर सकें। गुड मॉर्निंग एलिना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीरज, मानो, रबिया, सभी आ जाइए। जितने भी दोस्त हैं सभी लाइव आ जाइए, अपने अपने दोस्तों को बुला लीजिए, जो भी मैथ की क्लास ले रहा है अपनी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? सभी को गुड मॉर्निंग। तो अगर कोई भी नया जुड़ा हो मेरे दोस्त, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। और जितने पुराने देख रहे हैं तो लाइक कर दो सभी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, आपको पता चल गया होगा रीट वाले बैच के बारे में, आपका जितना टाइम टेबल है उस हिसाब से, ठीक है। ये अपना सीटेट वाला बैच है, जो टाइम टेबल ऐड कर लो सीटेट वाले। ये पीजीटी और टीजीटी वाले हैं, केवीएस एनवीएस वाले। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो शुरू करें अपना आज का जो टॉपिक है वो, हमने कल दो दिन से अपनी क्लास चल रही थी, उसमें हमने पढ़ा था क्या, नेचुरल संख्या, नंबर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था, नेचुरल संख्या के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब नेचुरल संख्या के बाद में पूर्ण संख्या, सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी सीडीपी की क्लास चालू नहीं हुई है, आपको शुरू होते ही आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। सीडीपी की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में पता होगा आपको, मैंने कल ये चीज़ अंतिम पढ़ाई थी कि गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, या गुणोत्तर श्रेणी के पद दिए हो वो कैसे दिए होते हैं, और नीचे वाला मैंने बताया था समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का। तो इसका आंसर कल किसी ने मेरे को, आज बता दो इसका आंसर क्या होगा। समांतर श्रेणी में ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मेरे को अभी भी बता दो। समांतर श्रेणी में एनवा पद यानी अंतिम पद ज्ञात करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा। ये देखो एग्जांपल ये था आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है। अच्छा, हिल क्यों रहे हैं? दो मिनट, एक मिनट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। दो मिनट रुक जाओ,
अब बताओ। अब सभी के पास आ रही है। अब सबके पास आ रही है क्या? दिख नहीं रहे। गुड मॉर्निंग सभी को। किसी की भी हालत ख़राब नहीं होगी, नहीं घबराओ मत, बस जैसे जैसे पढ़ाऊँ वैसे वैसे चलते चलो, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा गायब हो गए हम, रुको थोड़ा। चलो गायब तो रहने दो, आवाज़ तो सबके पास क्लियर पहुंच रही है, आवाज़ तो आ रही है, शुरू करते हैं। आपका क्यों टाइम खराब करें, दिख ही तो नहीं रहे। कोई बात नहीं, वॉइस तो सबके पास क्लियर पहुंच रही है ना, वॉइस सभी के पास ठीक है, दिखने से क्या मतलब है अपन को। कोई बात नहीं, देखने से क्या मतलब है, आप तो अब वो वॉइस तो ठीक पहुंच रही है, बिल्कुल वॉइस सही है अपन को, वॉइस वॉइस पे ध्यान रखो, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, आंसर भी आया था किसी किसी का, देखते हैं उसमें देखे क्या आंसर है। आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूला, मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला जितनी भी समांतर श्रेणी आएगी उसमें ये फॉर्मूला आपको ऐड करना है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, ऐसे ऐसे 12वां पद आपको निकालना है, कौन सा 12वां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है 12वां पद निकालना है, ए क्या है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या दे रखा है, टू टू दे रखा है, ठीक है। आगे देखो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू 12वां पद है, मतलब पद को कितने हैं 12 पद है, ठीक है। आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वन हो गया। डी क्या है, अंतराल, पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितने का अंतर है, तीन का अंतर है, और पाँच में और आठ में कितने का अंतर, वही तीन का, तीन का अंतर चलता है, इस डी डी बोलते हैं सार्वंतर, यानी अंतराल कितना कितना चला है इनमें, तो अंतराल कितना है इनका, थ्री का। सभी को क्लियर। अब ए आ गया, एन आ गया, डी आ गया, जिसका मान निकालना है ए एन का 12वां पद, वो आपको यहाँ लिखना है कि 12वां पद निकालना है, ठीक है। फिर आपको प्रथम पद कितना दे रखा है, टू, प्लस फॉर्मूले में रखते जाओ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 12, माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, थ्री, ठीक है। टू हो गया, प्लस 12 में से वन गया तो कितना बचा, 11, और 11 के बाद में ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब ब्रैकेट हटेगा तो गुणे में 3 आ जाएगा, तो 11 दिया 33, 33 में अगर 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 35। बोलो सभी का क्लियर है, 35 इसकी 35 आंसर है इसका, 12वां पद जो 12 पद है वो कौन कितना है, 35। बोलो सभी का क्लियर है। ऊपर वाला तो कल करवा दिया था मैंने, नीचे वाले की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाला जो समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करना है उसका आंसर, ये तो फॉर्मूला था, ये क्या था फॉर्मूला, जिसमें एक की वैल्यू कितनी है, ए का मतलब है प्रथम पद, एन की वैल्यू, डी का मतलब सार्वंतर, और जो ए एन दे रखा है अंतिम पद को व्यक्त करता है, मतलब अंतिम पद कौन सा है, जो 12वां पद है वो कौन कितना आएगा, और ये है आपके पास एग्जाम्पल था, इसका आंसर है 35। क्लियर नहीं आ रहा है, सबके पास क्लियर है ना, वॉइस तो सबके पास क्लियर है, दिख भी सभी को रहा है,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, आगे चलें। चलें आगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भाजकता के नियम, यानी 2 से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 9 का, 3 का, 7 का। तो आपको मैं 30 तक बता देता हूँ, 13 तक, कि किस किस से भाजकता का नियम स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे 2 से भाजकता का नियम, आपको संख्या देखते ही पता लगना चाहिए कि ये 2 से भाजक है या नहीं। तो देखो 2 से भाजकता का नियम किस प्रकार देखते हैं। देखो आपके पास सामने दी हुई संख्या है 2, 3, 5, 8, 9, 0, ठीक है। अगर ये संख्या आपके पास दी हुई हो, अगर आपको पता नहीं कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, इसका पता लगाना है आपको, तो बड़ी संख्या दी होगी और उसको आपको बताना है कि 2 से ये भाजक है या नहीं। आपको टाइम नहीं लगाना, उसमें आंसर देना है। तो देखो 2, 3, 5, 8, 9, 0, आपको ये संख्या देखकर ही बतानी है कि 2 से भाजकता का नियम है या नहीं। तो देखो अंतिम में जाना, और किसी भी संख्या को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के अंदर चले जाना, और लास्ट में अगर आपके सामने 0 दिया हुआ हो या फिर 2 से डिवाइड हो, यहाँ पे कोई भी संख्या हो वो क्या हो, 2 से डिवाइड हो, तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। अगर यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ हो, आपके सामने 2, 4, 5, 6, 8, 9 और 5 दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या देखनी है, और लास्ट वाली संख्या में 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से अगर डिवाइड होगा तो वो संख्या पूरी डिवाइड होगी, ठीक है। 2 से अगर लास्ट वाली संख्या 2 से डिवाइड नहीं हुई, तो ये पूरी भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, शुरू से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। जिसको भी यहाँ से प्रॉब्लम है तो आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता हूँ। डिवाइड का नियम, डिवाइडेशन, भाजकता के नियम, क्वेश्चन, आपको ये थ्योरी ऐड करनी है, मतलब इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी नंबर सिस्टम के हैं एक साथ लेकर आऊँगा आपके लिए, इन सभी से क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गए, अब आपको कौन कौन सी संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी। देखो आपके सामने अगर दी हुई संख्या हो, 0 दी हुई हो को किसी भी संख्या के लास्ट में, तो वो भी 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। 0 दी हुई हो, 2 दिया हुआ हो, 4 दिया हुआ हो, 6 दिया हुआ हो, और 8, ये संख्या अगर किसी भी संख्या के अंत में है तो वो 2 से डिवाइड होगी, तो वो क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ 4 से, 4 का डिवाइड का नियम कैसे होता है, 4 से डिवाइडेशन किस किस संख्या में होता है, यानी पता कैसे चलेगा आपको कि वो संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं। जैसे आपके सामने वही संख्या दी हुई हो, जैसे 2, 4, 5, 6, 8, 0, ठीक है, शून्य। अब ये संख्या आपके सामने दी हुई है, अब इस संख्या में आपको कैसे पता चलेगा, इतनी बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या भी हो सकती है आपके सामने, और आपसे पूछा जाए कि ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको अंत में देख लेना है कि ये 2 संख्या दी हुई है और वो किससे डिवाइड है, वो संख्या, अगर 00 दी हुई हो, 0 दिया हुआ हो, तो वो क्या है, 4 से क्या है, ठीक है ना, 4 से, तो वो अगर 00 हो तो वो समझ लेना आप कि 4 से डिवाइड है। अगर आपको देखना है तो अंतिम की जो संख्या है इकाई और दहाई वाली, उसमें अगर 4 से डिवाइड है वो संख्या, तो वो भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अंतिम दो संख्याओं में डिवाइड का डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, समझ में आई ये चीज़।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो टू का समझ में आ गया, फोर का समझ में आ गया, आगे देखते हैं। देखो एट से भाजकता का नियम क्या होता है, एट से भाजकता का नियम क्या होता है कि अंतिम जो तीन संख्या होती है जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 000 अगर दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले अगर 000 मिल जाए अंत में तो वो संख्या भी क्या है, वो भी आठ से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, ये तो सभी को क्लियर है ना। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई अदर संख्या दी हुई हो 2, 4, 6, 8, 9, 4 या 8, 8, 8 तो आपको क्या करना है, अंतिम जो तीन संख्या है उसमें आप डिवाइड करके देख लो 8 से। अगर 8 से डिविजिबल है, अगर अंतिम तीन संख्याएं, अंतिम तीन संख्याएं अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या, पूरी संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल होगी। सभी को ये चीज़ तो क्लियर है। ये सबकी क्लियर है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ डिविजिबल वाले रूल, वो सभी के क्लियर है? देखो जिसने बेसिक से बोला था कि सर बेसिक से पढ़ाओ, तो अगर आपको आता है तो आप ऐसे किया करो कि जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा तब देख लेना आप क्वेश्चनों के बारे में। थ्योरी जो पढ़ने वाले हैं उनको तो पढ़ाना पड़ेगा ना, अगर जिसकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी दोस्तों तो फिर वो क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। ठीक है ना, अगर आता है तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ये आप सबको चलो थ्री से भाजकता का नियम बताता हूं मैं आपको। जिस संख्या के अंकों के योगफल में क्या होता है, तीन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो संख्या, जैसे कोई भी संख्या आपके सामने दी हुई हो, ऐसे कोई संख्या आपके सामने दी हुई हो, अब उसमें क्या करना है, सभी को क्या करना है, ऐड करना है आपको। ठीक है, और ऐड करके जो आपके बनता है, जो टोटल बनता है उसमें क्या करोगे, थ्री से डिवाइड करोगे। अगर वो थ्री से डिवाइड होती है तो वो संख्या छः से, वो थ्री से भी डिवाइड होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये सभी को डिवाइड करोगे ना आप, ऐड करके डिवाइड करोगे थ्री से, तो आपका अगर पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो आपकी वो संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, क्लियर। देखो पहले मैसेज आया करते थे जब मैं क्वेश्चन करवाता था कि सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने ये थ्योरी क्लासें स्टार्ट की है। क्वेश्चन भी स्टार्ट करवा सकता था, मेरा क्या था, इनसे अच्छा तो क्वेश्चन स्टार्ट करवा के काम चला देता। ठीक है, तो पहले बिल्कुल आप 6 से 10 तक की आपकी मैथ तो वही आएगी। पांच से तो आपको सभी को पता है कि अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या में आप क्या करोगे, डिविजिबल करके देख लोगे। अगर अंतिम में आपके पास 0 दिया हुआ हो तो वो भी 5 से डिवाइड है, और अगर 5 दिया हुआ हो तो वो भी 5 से डिवाइड है। उसी प्रकार 10 से अगर पूछे आपका 10 से बाय 10 से डिवाइडेबल है या नहीं, तो अंतिम संख्या में अंतिम जगह क्या आना चाहिए, आपके पास 0 आना चाहिए, अन्यथा अगर कोई अदर संख्या होगी तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, 6 से भाजकता का नियम बताऊँ, जिसमें 2 और 3 यानी 2 और 3 से भाजक होगा यानी डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड नहीं है तो
तो फिर वो नियम भी 6 पर रूल काम नहीं करेगा, दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे 2, आपको एक एग्जांपल तो बता ही देता हूँ, 5730, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको लास्ट में देखना है 2 से डिवाइड है तो ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्या ये 3 से भी डिवाइडेबल है क्या, 7, 3, 10, 5, 15 और 15 में 3 से भी डिवाइडेबल है, ठीक है, तो ये दोनों 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब है कि ये 6 से भी डिवाइडेबल है, उसी प्रकार ये एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। सेवन से इसका बता रहा है अब आपको, 7 से डिविजिबल नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके भी, आपको बताऊंगा मैं, सन भी बताऊंगा आपको जो क्वेश्चन लेकर आऊंगा उसमें, कि ये क्वेश्चन कब और किस में पूछा गया है। 7 से डिविजिबल के नियम, इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले लिखना है जो संख्या आपके सामने दी हुई हो, ठीक है, ये संख्या आपके सामने दी हुई हो, आपको क्या करना है, जो अंतिम संख्या है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको क्या करना है, दोगुना करना है, ठीक है, दोगुना कर दिया, आपके सामने है 14, अब क्या करोगे आप, जो संख्या आपके सामने बची को है उसमें क्या करोगे, माइनस करोगे, जैसे आपको आपके सामने कितना बचा, ये संख्या बच गई आपके सामने, इसमें से माइनस करना है आपको 14, ठीक है, अब इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके सामने देखो, इसमें से माइनस कर दो चाहे आप, देखो यहाँ पे कर रखा है 1680, 7 × 2 कर रखा है, फिर इसने किया है, उसी प्रकार चलते जाना है, फिर लास्ट में जो भी आएगा आपके, देखो 0 में से 4 गए तो 6 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे 6, ये है, अब अंतिम संख्या में फिर क्या करोगे, अंतिम संख्या को फिर दुगना करना है, और फिर क्या करोगे, इसमें ऐड करते जाओगे, 6 × 2 = 12, अब इसमें क्या करोगे, वही माइनस करना है, उसी प्रकार अंतिम जो संख्या आएगी वो आपको किससे डिवाइड होना चाहिए, वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए, सभी को पता है ये, तो चलें आगे, ये चीज़ ये समझ में आया क्या सभी के, 7 वाला थोड़ा ठप है, बिल्कुल चलो समझ में आ गया है। 9 से भाजकता का नियम भी यही कहता है कि सब क्या करोगे, इन सभी संख्याओं में क्या करना है आपको, जो भी संख्याएं दी हुई हो सभी को ऐड करके 9 से डिविजिबल होगी अगर वो संख्या, तो क्या करोगे, वो 9 से डिवाइड होगी, जैसे आपके सामने दे रखा है 47691, ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके क्या करोगे, जो वैल्यू आपके सामने आई है उससे 9 से डिवाइड करोगे, अगर वो 9 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइडेबल होगी, 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे ये ब्रांच स्टार्ट हुई है, उससे क्या है कि अभी टाइपर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है यार, ठीक है, हाँ आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कोशिश करो दोस्त, मैंने बोला भी है उनको लेकिन हो नहीं पा रहा अभी, ठीक है ना। वैसे मैथ में क्या इंग्लिश क्या हिंदी वैसे देखी जाए तो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चनों को तो मैंने बोला है कि क्वेश्चन तो करवाए दो, कोशिश करो क्वेश्चनों की, तो क्या
ये तो मिसप्रिंट हो गई होगी, आप करके देख लो, मैंने आपको तरीका बताया, तरीका सिखाया है, इन संख्याओं पे ध्यान मत दो। 4, 7, 6, 9, 1 ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, ठीक है, अब ठीक है, देखो हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते, जो जो शुरू से ही CBSE से हैं तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो अब कंफर्टेबली अपने को महसूस उसी चीज़ में करते हैं, लेकिन इतना भी वो नहीं है, मैथ में तो चलता है भाई, और अदर सब्जेक्ट की तो कह नहीं सकते। ठीक है ना, चलो 11 से देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 11 वाला, 11 से भाजक डिविजिबिलिटी का नियम। देखो जिस संख्या के सम स्थानों के, यानी जो संख्या आपके सामने दी हुई हो उसके जो सम स्थान है, जैसे आपके सामने आपको मैंने दे दिया, ये संख्या ले लेते हैं, या ये वाली बड़ी है, ये देखते हैं, 1, 1, 1, 1, 2, 3 ठीक है। इसमें यह पूछ रहा है जिस संख्या के सम, यानी कि जो संख्या आपके सामने दी हुई हो, जैसे 1 दे, इसको ऐड करो, 1 और 1 कितना हुआ 2, 1 और 1 2, 2 के बाद में एक संख्या को छोड़ दो, 2, 2, 4 आगे कोई है ही नहीं इसके, यहाँ पे लिखो 4 ठीक है ना, 4 लिख दिया, अब इसको 1, 2 और कितना होगा 3, 5 हो गया, कितना, अब जो ज़्यादा संख्या है उसमें माइनस कर दो, कितना बचा 1, मतलब कि वो संख्या 11 से डिविजिबल है क्या, नहीं है डिविजिबल, तो ये गलत है, ये संख्या 11 से क्या नहीं होगी, डिविजिबल नहीं होगी, सभी को पता है ना ये तो। ये सभी को पता है ना, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है, या हमारे पास 11 की मल्टीप्लाई में कोई संख्या आनी चाहिए, ठीक है ना, 11 की मल्टीप्लाई में अगर कोई संख्या आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, और 0 होगा तो भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये संख्या है, अब इसमें क्या करोगे, 1 और 1 ऐड करोगे, 1 को छोड़कर 1, ठीक है, फिर क्या करोगे, इसमें ये ऐड करना है, इसको इसमें और इसको इसमें, यानी एक संख्या छोड़ के एक संख्या को ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, अब इन संख्याओं को भी ऐड करो, 1, 2, 3, 4 अगर एक संख्या में और रख लेता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 में से 5 गया तो 0, ये संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। सभी को समझ में आया, ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। देखो ठीक है, चलो आगे बताता हूँ आपको, 13 से भाजकता का नियम भी उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने 7 का देखा था। देखो लास्ट वाली जो संख्या है, देखो इसमें क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, जो लास्ट वाली संख्या है उसको किससे, 4 गुणा करना है, ठीक है, क्या करोगे, 4 गुणा करना है और ऐड करना है, ठीक है, अगले वाली संख्या में ऐड करते चलना है, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको मैंने बता दिया कि आपके सामने ये वाली संख्या है, ठीक है, 11, 648 ये दी हुई है, अब अंतिम संख्या कितनी है, 8 को 4 गुना किया तो 8 चौक 32 32, अब 32 को क्या करना है, इसमें ऐड करना है, जो बची हुई संख्या है उसमें ऐड करना है और फिर ये संख्या आप लिखोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, अंतिम जो संख्या है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसी प्रकार आप ऐड करोगे, तो जो लास्ट वाली संख्या है उसमें ऐड करोगे, ठीक है, फिर उसी प्रकार जो संख्या है अगर उसमें डिवाइडेबल का नहीं है तो फिर लास्ट में क्या करोगे, उसी अंतिम वाली संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें ऐड करना है। अगर वो संख्या जैसे 13 आ गई, अब 13 में अगर 13 से डिविजिबल होगी 26,
तो वो संख्या भी क्या हो गई, पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। सभी को ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लगता है दंगा हो गया है, हैं? अच्छा, इंग्लिश हिंदी के दंगा छिड़ गया है क्या? चलो, रिमाइंडर वाला तो सभी को आता होगा, रिमाइंडर वाला सभी को आता होगा, सेसपल वाला। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको फिर भी मैं बता देता हूँ एक बारी, जिसको भी नहीं आए वो नोट्स मिल जाएंगे, उसको देख लेना एक बारी, यहाँ से समझ लो। आप वैसे तो समझे हुए हैं, लेकिन जो भी देखेगा एक बारी इनको, जिसका वीक होगा, तो इसलिए ज़रूरी है ये चीज़ें बताना मेरे को, बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो आपको दी हुई संख्या होती है, जैसे हमने रखा है यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे 6 या 5 रख दिया, तो क्या करोगे, अब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 हो गया, शेषफल अपना ये बच गया, ठीक है। तो इसको तो क्या बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसको तो बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं हम इसको? भाजक बोलते हैं दोस्तों, भाजक बोलते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। ये होता है हमारा भागफल, जो आंसर आता है ना फल के रूप में वो होता है भागफल, और जो बच जाता है वो क्या होता है? शेषफल। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि शेषफल कौन सा होता है, भागफल, भाज्य। आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, भाजक और भाज्य में, अगर होते हो तो आप इन दोनों में ही कंफ्यूज होते होंगे, भाजक और भाज्य में, ठीक है ना। भाजक तो होता है जिसका हम भाग देते हैं, ठीक है, भाज्य होता है जिसमें भाग देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर भाज्य आपको निकालना है, भाज्य निकालना है तो क्या करोगे, भाजक को आपको मल्टीप्लाई करना है भागफल से, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसके बाद में क्या करोगे, जो संख्या आपके सामने आएगी उसको क्या करना है, शेषफल में ऐड करना है। ये आपका फॉर्मूला है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपको याद रखना है। मैं क्वेश्चन जब भी कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है। इकाई के अंक तो आप सभी को पता होंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखो आपको कुछ कुछ तो आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, तो जो आते हैं एक देख तो लो एक मिनट। देखो, इवन संख्या दी हुई हो आपको सामने, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, टाइम भी नहीं है ऐसे समझ लो, तो आप क्या करोगे, अगर आपके सामने कहीं भी सम संख्या दी हुई हो, उस पूरी संख्या के अंदर अगर आपके सामने एक सम संख्या है और दूसरी 5 दी हुई हो, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 5 देखना है और सम संख्या वाली यानी कि इवन नंबर देखने हैं, तो आपको इवन नंबर देखते ही, आपको इवन नंबर और 5 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि 5 अगर किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, अंतिम संख्या में 0 आता है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है आपके सामने, समझ लो आप, तो आपके सामने कोई दिया हुआ है 34 76 35, ये संख्या आपके सामने दी हुई है, अगर और भी बड़ी हो सकती है, जितनी बड़ी अब तो, अच्छा ये दिख भी नहीं रहा है। अब दिखा गया? नहीं दिखा? अब ध्यान रखना है, ये तो
अब ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी आपके पास इतनी कोई भी बड़ी संख्या दी हुई हो, अगर उसमें फाइव और इवन नंबर दिया हुआ हो, तो बड़ी संख्या को देखकर घबराना नहीं, आपको क्या करना है, सीधा इकाई का अंक क्या रखना है, जीरो रखना है। सभी को क्लियर है ये चीज़? तो ठीक है, अब देखते हैं नीचे चले थोड़ा। ये तो आपको सभी को पता है कि सभी जो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होना होगा आपके सामने? दो जितना भी होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, देखो जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत जरूरी है। अब तो समझ में आ रहा है ना? देखो आपके सामने ऐसी संख्या दी हुई होगी, वन दे दिया, ठीक है। अब इसको इक्वल में आपको क्या रखना है? वन ही रखना है। क्या रखना है? वन ही रखना है। देखो आपके सामने अगर ऐसी संख्या दी हुई हो, इसका अर्थ होता है कि वन, ठीक है। अगर आपके सामने टू दिया हुआ तो आप क्या करोगे? वन इंटू टू। क्या करोगे? वन इंटू टू करना है आपको। अगर आपके सामने फाइव दिया हुआ हो ऐसे इस प्रकार, तो आपको क्या करना है ना? वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ठीक है, इस प्रकार। अगर इस किसी भी संख्या इसके अंदर दी हुई हो तो आपको बताना है इसका मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? फाइव है। देखो इसमें फाइव है और टू है, तो इकाई का अंक क्या होगा? जीरो। सभी को पता है ना इस चीज़ को, अभी मैं बता के आया था, ठीक है। अंतिम चीज अपनी आज के लिए फिर इतना ही। कल मैं आपको जितने भी नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चन हैं आए हुए, वो सभी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो देखो ये आपके सामने दी हुई संख्या है कुछ 0, 1, 5, 6, ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है, ठीक है ना। 1, 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक क्रमश है 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक ये दिए हुए हो आपके सामने, 0 दिया हुआ हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इकाई के अंक में किसी भी संख्या के इकाई के अंक में अगर ये संख्या दी हुई हो, तो क्या करना है? उन संख्याओं का जो इकाई का अंक है वो भी क्या होगा? उन संख्याओं का इकाई का अंक भी 0 होगा, 1 का 1 होगा और 5 का 5 होगा और 6 का 6। जैसे आपके सामने मैंने पूछा कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 5 और 5, अब इससे मैं पूछूँ इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएँ हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? देखो इसका इकाई अंक सबका 5 है, तो इनका सभी का इकाई का अंक आएगा इनका वो क्या आएगा? 5 आएगा। ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपको 16 16 इस प्रकार कुछ भी संख्या दी हुई हो, अगर उन सभी के इकाई के अंक क्या है? 6 है, तो उन आएगा इकाई का अंक, अगली वाली जो संख्या भी बनेगी वो भी क्या है? अगली संख्या भी उनका संख्या इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, पहले तो देखो आपके पास में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई होंगी, आप टीचर बनोगे, आपको कोई भी पूछ ले तो क्या करोगे? मैथ में आपको पता है कि 10th तक यही चीज़ें आती है, 6 से लेकर 10 तक आपको ये चीज़ें पढ़ी हुई होगी। आप अब नहीं पढ़ते तो क्या हुआ? लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है ना। अब जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके सामने, जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं आपके सामने लेकर आऊँगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं।
इजी, सरल, कठिन, तो जो हम कल लेकर आएंगे तो पेन और कॉपी लेके बैठना सभी। उससे क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको दूंगा मैं तुरंत करना है, ठीक है। कौन करते थे टॉप, कौन करते थे? मैं टॉप करती थी ना स्कूल में, ये तो अच्छी बात है। मेरे को पता है आज आप सभी को किसी को भी मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि जब भी थ्योरी चलती है ना तो किसी को थ्योरी आती है और किसी को थ्योरी नहीं आती। जो नहीं आती है वो सीखना नहीं चाहता, और जिसको आती है वो भी सीखना नहीं चाहता क्योंकि उसे आती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं आती और वो आपको सीखनी चाहिए। कोई भी टीचर है पढ़ाने वाला, अगर एक टीचर आपका अलग हो गया, मतलब दूसरे स्कूल में चला गया, आपके सामने कोई दूसरा टीचर आ गया, तो आप क्या करोगे? वो भी पढ़ाएगा वही चीज़, लेकिन वो कुछ अलग चीज़ ही बताता है। पता है ना सभी को ये चीज़, कुछ चीज़ तो अलग मिलती है, कुछ चीज़ें तो आपको अलग मिलेगी मिलेगी। देखो देखो आपको मैं बता देता हूँ, आपको बोरिंग भी होगा कुछ क्लासों में क्योंकि वो चीज़ आपको आती नहीं है, या फिर आप उसे पढ़ चुके हो पहले। तो जो नहीं, जिसको नहीं आ रही है उसकी भी सोचा करो थोड़ी बहुत। अब इतने जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त, उनमें कुछ तो होंगे ना जिसको वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो उनको भी तो आना ज़रूरी है। तो मैं ओनली बेसिक से चलूँगा, पूरी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, जितना हो सकता है, मेरी बस की जितनी है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप अपना जो ऐप है और वेबसाइट है उस पर आपको ये सब मिल जाएंगी, ठीक है। आप नहीं बनाते हो हाँ, कुछ स्टूडेंट मैंने बताया ना, वो स्टूडेंट कौन कौन से हैं जिसको आते हैं और जिसको नहीं आते, वो दो स्टूडेंट हैं जो बीच के हैं, वो सभी समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो सभी सभी को लेकर साथ चलना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलोगे जभी तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। बिल्कुल, तो हम फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, जीके वाले में, जिसकी भी क्लास है जीके, जो भी पढ़ना चाहता है, जिसके सिलेबस में जीके है वो अपनी क्लास लेंगे, ठीक है। आज जो क्वेश्चनों का मैंने आपसे वादा किया था भाई, मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जितने भी प्राचीन इतिहास से इम्पोर्टेंट अलग क्वेश्चन जो निकलते हैं, सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा मैं आज। आज ओनली क्वेश्चनों की सीरीज होगी, ठीक है, फिर थ्योरी चलेगी। तो आप बिल्कुल जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर कीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, सभी को अच्छा है, सभी अपना ख्याल रखना, टेक केयर सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।